हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, अभी हम जा रहे हैं नदी नहाने के लिए। घर से लगभग 1 किलोमीटर आए हैं बाइक से। पीछे आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंख से भी बहुत ज्यादा पानी टपक रहा है। और मतलब जूता वगैरह पहन के नहीं आए क्योंकि नदी नहाने जाना है। इतना ज्यादा ठंड लग रहा है, हाथ में और पैर में बाइक चलाते समय लगता है जैसे कोई सुई चुभ रहा है, इतना इतना ठंड है। और कुहा तो आपको बोल रहे हैं, मतलब देखिए ये मेरे पीछे बाइक खड़ा है और इधर आप देखिए रोड, हमको लगता है 15 फीट से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, इतना ज्यादा कुहा है। आप लोग देख सकते हैं, मैं फिर आपको एक बार जो है बैक कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ ये नजारा। बस अब यहाँ से वही 2 मिनट का दूरी है नदी का, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाएंगे नदी का नजारा कैसे है, कितना लोग, कितना दोस्त लोग आया हुआ नहाने के लिए इस ठंड में। देखिए अभी हम आ चुके हैं नदी में, ये अजय नदी है और पीछे मेरे देख रहे हैं आप लोग, सब नहाने के लिए आ चुका है। पानी तो बहुत कम है, बहुत बच्चे वगैरह भी आए हैं नहाने के लिए, आपको सारा कुछ दिखाएंगे। तो अभी देखिए क्या है नज़ारा, अभी सूर्यदेव भी नहीं आए हुए हैं दर्शन के लिए, तो उनका दर्शन नहीं मिल पाया अभी तक। अभी बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं कितना ठंड है। देखिए मेरा फेस देख के आपको पता चल रहा होगा ठंड का। एक एक करके सब यहाँ से लौट रहा जो पहले आया हुआ था। तो चलिए बैक कैमरा से आपको नजारा दिखाते हैं। देखिए ये लोग नहा लिए हैं, ज्यादा गर्मी था, जहाँ तक की ठंड बहुत ज्यादा है। देखिए नहा नहा के निकल रहे हैं अभी यहाँ से। चलिए अब नदी में आपको नजारा दिखाते चलते हैं। पानी बहुत कम है भैया। जूता पहन के नहाने वाले, पैर में ज्यादा ठंड लग रहा है। दल को देखिए नहाने के बाद सब कोई किस प्रकार से अलाव जलाकर जो है ताप रहा है, ठंड लग जा रहा है बहुत ज्यादा, तो इसलिए सब कोई अलाव जला रहा है यहाँ पर। तो चलिए अब धीरे धीरे हम लोग भी नहाने का तैयारी करते हैं। और बहुत कोई तो सूर्य देव का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका दर्शन होगा तभी नहाएंगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं ब्लॉग में क्या क्या होता है। जाइए यहाँ, आइए आइए, बाबा का घर है। ओहो, नहाइए आइए। चलिए तो इन लोगों को भी सूर्य देवता का दर्शन हो चुका है, अब ये लोग नहा रहे हैं और साथ में मस्ती भी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम भी नहा लेते हैं, ठंड तो बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक, तो हेल हेल हेल, जल्दी हेल है वाला हेल जो। सूरज भगवान बढ़िया से दिख रहा है जब सबका नहाया धोया हो गया उसके बाद, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका, 7:30 बज गया है। इतना कुहासा था, आपको पहले ही हम रास्ता में दिखा दिए थे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नहा लिया, और भी जितने यहाँ पर आए हुए थे सब धीरे धीरे घर निकल चुके हैं। आपको एक बार सिर्फ नजारा हम दिखाते हैं घुमा के। तो चलिए अब हम लोग का स्नान वगैरह हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आगे का नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि बहुत दोस्त लोग आगे इंतज़ार कर रहा है और कुछ दोस्त अभी नहाने के लिए आ रहा है, वो भी हम आप लोग को ब्लॉग में दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, यहाँ से निकलते हैं हम लोग आगे की ओर।
हम लोग जो है ना अभी आ चुके हैं अजय नदी से ऊपर। ओके। और ये भाई लोग सोच रहे हैं नहाएंगे या नहीं नहाएंगे, अभी दो जन आए हुए हैं। कुहासा बहुत ज्यादा है भाई, नहाना नहीं है। और भी कोई कोई आ रहे हैं उधर से, सिर्फ आवाज सुनाई दे रहा है, गाड़ी तो अभी तक नहीं दिखाई दिया है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं घर के तरफ, और रास्ता में बहुत घना कुहा है, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं मेरे से आगे ही गाड़ी चल रहा है, तो ये है नजारा। और भी बहुत लोग आ रहे हैं नहाने के लिए, और यहाँ पर देखिए सब आके बैठे हुए हैं, जिनको ठंड लग रहा है। देखिए सिर्फ आवाज सुनाई दे रहा बाइक का और कुछ नहीं। इधर एक काली मंदिर है, वो भी क्या दिखेगा, रास्ता ही नहीं दिख रहा ठीक से। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं अभी, अरे बाप बहुत ज्यादा कुआ, क्या पता बोल नहीं पा रहे हैं। आप एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा होगा आपको किस प्रकार का कुआ है। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, चलते हैं हम घर की तरफ, देखिए नजारा कैसा है। अब देखिए रास्ता आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये है नजारा सुबह सुबह का। हम गांव पहुंच चुके हैं, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।